दोस्तों जेसीबी कंपनी में अभी बहुत सारी वैकेंसियां निकल रही हैं। अगर आप हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएट हैं या आपने कोई डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। जेसीबी कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में एनुअल फंक्शन होते रहते हैं जिसमें सभी वर्कर डांस करते हैं और उन्हें पार्टी दी जाती है। दोस्तों जेसीबी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट बस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है जिसमें बैठकर आप आराम से कंपनी के अंदर आ जाते हैं और यहां पर आपको काम करना होता है। काम क्या क्या करना होता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए इस प्रकार की लोहे काटने की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पूरी तरह कंप्यूटराइज होती है। अगर आपको यह मशीन ऑपरेट करनी आती है, चलानी आती है तो आपको बहुत ही आसानी से 20 से 30,000 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। जितने डायमेंशन के पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सेट किया जाता है और फिर लेजर लाइट की मदद से पार्ट्स को काटा जाता है और जब पार्ट्स कट जाता है फिर इसे एक मैग्नेटिक मशीन की मदद से वेल्डिंग डिपार्टमेंट में लाया जाता है जहां पर वेल्डिंग की मदद से इसको जोड़ा जाता है। दोस्तों जेसीबी कंपनी में अक्सर वेल्डर की जॉब निकलती रहती हैं। अगर आपको वेल्डिंग करना आता है तो आप यहां पर आसानी से जॉब पा सकते हैं। अगर आप 10वीं 12वीं पास भी हैं और वेल्डर की जॉब करना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी जो शहर है जहां पर जो वेल्डिंग करते हैं उनसे भी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जब पूरे पार्ट्स पर वेल्डिंग हो जाती है फिर इसको पेंटिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। पेंटिंग करने के लिए एक विशेष प्रकार का सूट एक वर्कर को पहनाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा रहता है और यह पहनने के बाद पेंटिंग की जाती है। एक पेंटर वर्कर की सैलरी 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक कंपनी में रहती है। दोस्तों अगर आपके यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब जेसीबी के सारे पार्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं फिर इनको असेंबलिंग डिपार्टमेंट में रखा जाता है जहां पर एक कन्वेयर लाइन होती है और उस कन्वेयर लाइन पर 1x1 पार्ट्स को जोड़कर जेसीबी को असेंबल किया जाता है। सबसे पहले कन्वेयर लाइन पर इंजन रखा जाता है, फिर इसके बाद मेन फ्रेम को जोड़ा जाता है, फिर इसके बाद ऑयल टैंक और हॉज पाइप को जोड़ा जाता है, फिर रेडिएटर लगाया जाता है, फिर गियर बॉक्स रखा जाता है, फिर ऐसे ही एक के बाद एक पार्ट्स को जोड़कर जेसीबी को पूरा तैयार कर दिया जाता है। दोस्तों जब जेसीबी पूरी बन जाती है फिर इसकी क्वालिटी चेक की जाती है, इसे प्रॉपर चलाकर देखा जाता है कहीं इसमें कोई खराबी तो नहीं है, कोई पार्ट्स इसका डैमेज तो नहीं है। अगर आप जेसीबी ऑपरेटर हैं और आप जेसीबी चला लेते हैं तो आपको यहां पर क्वालिटी चेक का भी काम मिल सकता है जिसकी सैलरी 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक होती है। दोस्तों अब बात करते हैं जेसीबी कंपनी कहां कहां पर है और आपको कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आप LIC एजेंट बन सकते हैं। कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। LIC एजेंट बनने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे LIC एजेंट बनते हैं, कितनी सैलरी रहती है, यह सभी बातें मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।
2 मिनट का वीडियो है, पूरा इसमें समझाया गया है और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पुराने टॉपिक पर। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है हिंदी हेल्प 24.com, हिंदी हेल्प 24.com और एंटर कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर ही जेसीबी कंपनी में जॉब कैसे पाएं, यह आर्टिकल आपको मिल जाएगा और यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मैंने लिखी हुई है। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। मैं इस वीडियो में मोबाइल नंबर नहीं दिखा सकता क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी का इशू आ जाएगा। यूट्यूब में बहुत ही स्ट्रिक्ट है यूट्यूब, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मोबाइल नंबर या किसी की आइडेंटिटी रिवील आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने वेबसाइट पर कुछ नंबर दिए हैं जिस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि जॉब वैकेंसी चल रही है या नहीं। यहाँ पर पूरी जानकारी मैंने लिखी हुई है, तो यह आर्टिकल ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।